अगर आपके सामने इंस्टाग्राम पर इस तरीके से आता है दिस स्टोरी इज़ अनअवेलेबल, जब आप कोई स्टोरी देखने जाते हैं, सभी स्टोरी पर नहीं, एक या दो कुछ स्टोरीज़ पर अगर आपके सामने ये चीज़ शो होती है, तो ये आपके सामने क्यों आ रही है प्रॉब्लम और इसका क्या सॉल्यूशन है। जैसे कि मैं इस स्टोरी पर यहाँ पर बात कर टैप करता हूँ, तो इस तरीके से लिखा आता है दिस स्टोरी इज़ अनअवेलेबल, तो यानी कि ये स्टोरी जो है या तो यहाँ पर बात करें डिलीट हो गई है, या जो जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी डालते हैं तो वो एक दिन के लिए रहती है, यानी कि यहाँ पर बात करें 24 आवर्स के लिए, तो या तो वो सिचुएशन है। तो ऐसा ये आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपके सामने ये चीज़ आ रही है और आप जाकर उसी जिस आईडी से आप वो स्टोरी देख रहे हो, जिस आईडी के आप स्टोरी देख रहे हो, उस अकाउंट में जाकर देखते हैं उसकी यहाँ पर बात करें इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर कोई वो शो नहीं होता है जो सर्कल होता है स्टोरी का, लेकिन यहाँ पर ये शो हो रहा है, यहाँ पर मैसेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो क्या ये स्टोरी सिर्फ आपको ही शो नहीं हो रही है, या क्या यहाँ पर हो रही है प्रॉब्लम? तो आपको इससे ऐसा भी लग सकता है कि आपको आपसे ये स्टोरी सामने वाले ने यहाँ पर बात करें कहीं हाइड तो नहीं की है, ये भी आपको लग सकता है। तो यहाँ से जिस अकाउंट पर ये मुझे आ रही है प्रॉब्लम, जिस अकाउंट की स्टोरी मैं जो है देखना चाह रहा हूँ लेकिन लिखा आ रहा है इस तरीके से, तो उस अकाउंट में मैं जाता हूँ तो वहाँ जो यहाँ पर बात करें स्टोरी हाइलाइट से वो शो हो रही है, और जो जिस अकाउंट से ये प्रॉब्लम आ रही है उसको मैंने मैसेज भी किया, तो उसने भी यही बताया कि कोई स्टोरी डाली हुई नहीं है अभी उसके, तो ये इंस्टाग्राम की ओर से कोई यहाँ पर बात करें ग्लिच है जो आपको शो हो रहा है, ठीक है, सामने वाले ने कोई स्टोरी नहीं डाली हुई। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता भी था कि आप सामने वाले की स्टोरी देखने जाते हैं और उस स्टोरी के जस्ट यहाँ पर बात करें 24 आवर्स हो चुके होते हैं और आप उस पर स्टोरी पर जाते हैं तो इस तरीके से लिखा आता था, क्योंकि उसका एक दिन का टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ